और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन का परमाणु हमले का प्लान तैयार हो चुका है। जी हाँ, बताया जा रहा है मॉस्को में परमाणु युद्ध की अंतिम तैयारी भी पूरी कर ली गई है। बड़ी खबर रूस में न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल, यूक्रेन पीछे, यूरोप पुतिन के टारगेट पर, यानी कि कैसे स्ट्रेटजी आगे की बनानी है, क्या रणनीति आगे की होनी चाहिए जिससे यूक्रेन जितना बचा है उसे भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए। और ये सारी रणनीति मॉस्को में बन रही है जहां पर जी हिंदुस्तान मौजूद है। रूसी परमाणु सेंटर पर टिक टिक, सनकी दबाएगा परमाणु बटन। यूक्रेन के साथ यूरोप को खाक करेगा पुतिन। यूक्रेन में 17,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों के मारे जाने से पुतिन का माथा ठनका हुआ है। अब पुतिन ने आखिरी प्रहार का सीक्रेट प्लान फाइनल कर लिया है। मॉस्को के पास बने परमाणु अड्डे पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परमाणु हमले का सायरन सुनाई देने लगा है। अब रूस का सनकी बादशाह कभी भी परमाणु बटन दबाकर यूक्रेन और यूरोप को खाक में मिला सकता है। रूस में न्यूक्लियर वॉर ड्रिल, दुनिया गई हिल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल करने का आदेश दिया है। इसके बाद से अमेरिका समेत यूरोप के सभी देश सन्नाटे में हैं। बड़े से बड़े वॉर रणनीतिकारों को घनघोर अनिष्ट की आशंका सताने लगी है। आखिर पुतिन ने क्यों रूस में न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल करने का हुक्म दिया है? क्या वो अब परमाणु हमला कर दुश्मनों को धुआं धुआं करके सोवियत यूनियन के सपने को फिर साकार करना चाहते हैं? आपको बता दें कि न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल वो प्रक्रिया है जिसमें परमाणु युद्ध के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जाता है। ये तभी किया जाता है जब किसी देश को शक हो कि दुश्मन उस पर परमाणु प्रहार कर सकता है, या फिर वो देश खुद अपने दुश्मनों पर परमाणु हमला करने वाला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।